हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी फोरम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम टॉपिक जो लिए हैं मेमोरी साइज़ का, हम कितने टाइप के अब तक साइज़ होती है मैक्सिमम साइज़ को यहाँ पे स्टडी करेंगे। इससे आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जितने भी टाइप्स के, आई होप इससे आपके एक सिंगल वीडियो से कम्प्लीट हो जाएगी। उसके पहले एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, एक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हूँ जिसकी मैंने लास्ट में वीडियो बनाई हुई थी हमने मेमोरी साइज़ पे, वो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था सीरियल नंबर 1 से लेकर के आप देखेंगे 13 तक। मैंने जियो बाइट तक, यानी कि 1 जियो बाइट में कितना होता है, 1024 ब्रोंटो बाइट होता है, उसकी वीडियो मैंने बना रखी है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। जैसे 1 बाइनरी डिजिट क्या कहते हैं, बिट को कहते हैं, 1 निबल होता है 4 बिट को कहते हैं, 1 बाइट क्या होता है, 8 बिट के बराबर होता है। तो हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन कहाँ से, सीरियल नंबर 14 से। आप इसके पहले की वीडियो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो लिंक मैंने दे रखा है, उसको आप देख सकते हैं। क्योंकि मैं एक वीडियो में पूरा डिस्कस करूँगा तो गाइस ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और बोरिंग भी हो जाएगी, तो आप उसको छोटा सा देख लीजिए वीडियो, उसके बाद यहाँ पे देखते हैं। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि 1 जियो बाइट बराबर होता है 21024 ब्रोंटो बाइट होता है। देखिए गाइस, प्रोनंसिएशन में बोलने में इंग्लिश लैंग्वेज तो की अजीब अजीब है, अगर थोड़ा दिक्कत हो तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, उसको आप एडजस्ट कर लीजिएगा। अब देखिए 1 सेगन बाइट क्या होता है, वो होता है 10024, यानी कि 1024 जियो बाइट होता है। 1 पिज़्ज़ा बाइट क्या होता है, 1 पिज़्ज़ा बाइट होता है 21024 सेकंड बाइट के बराबर होता है। 1 अल्फ़ा बाइट बराबर किसके होता है, 1024 पिज़्ज़ा बाइट के बराबर होता है। 1 क्रैड बाइट होता है 1024 अल्फ़ा बाइट के बराबर होता है। 1 एमोस बाइट क्या होता है, 1 एमोस बाइट होता है 1024 क्रैड बाइट के बराबर होता है। 1 पेट्रोल बाइट होता है 1024 एमोस बाइट के बराबर होता है। 1 बॉल्गर बाइट जो भी पढ़ लीजिए आप, बाइट किसके बराबर होते हैं, 1024 पेट्रोल बाइट। 1 सैम्बर बाइट क्या होता है, 1 सैम्बर बाइट होता है 1024 बॉल्गर बाइट के बराबर होता है। 1 क्वेज़ा बाइट बराबर होता है 1024 सैम्बो बाइट के बराबर होता है। यानी कि 1 क्वेज़ा बाइट जिसे 1 TB बराबर कितने GB होते हैं, वो आप हमारी लास्ट वीडियो में देख सकते हैं। 1 केंसा बाइट होता है 1024 केंसा बाइट के बराबर होता है। 1 रदर बाइट होता है 1024 केंसा बाइट के बराबर होता है। 1 डबनी बाइट भी कह सकते हैं जो आप पढ़ लें, सॉरी अगर मैं गलत पढ़ रहा हूँ तो। 1 डबनी बाइट बराबर होता है 1024 रदर बाइट। 1 सीबर बाइट बराबर होता है 1024 डबनी बाइट के बराबर होता है। 1 बोर बाइट क्या होता है, बोर बाइट बराबर होता है 1024 शिबर बाइट के बराबर होता है। 1 हैश बाइट बराबर होता है 1024 बोर बाइट के बराबर होता है। 1 मेटनर बाइट पढ़ लीजिएगा 1024 हॉसिंस बाइट के, आप स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा इस, ये क्वेश्चन आपके लिए लिख लीजिएगा, बहुत ही एडवांस क्वेश्चन पूछे जाएंगे तब इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अदरवाइज़ ये आपके लिए इंफॉर्मेशनल वीडियोस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31, 1 डर्मेस्टेड बाइट बराबर होता है 1024 मेटनर बाइट के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 32 कह लीजिए या सील नंबर 32 पे देखिए,
रियोन्ट, वन रियोन्ट बाइट बराबर होता है 1.02 डर्मस्टेबटेक बाइट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। वन कॉपर बाइट के बराबर होता है 1.024 रियोन्ट बाइट के बराबर होता है। वन अल्ट्राबाइट किसको कहते हैं, वन अल्ट्राबाइट का मतलब होता है 1.024 कॉपर बाइट, यानी कि 1.024 कॉपर बाइट। एक गाइस मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि 1.024 कॉपर बाइट अगर है तो इसमें कितने जीबी हो सकते हैं, आप इसका आंसर बता सकते हैं। अगर कोई बता सकता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा, अगर नहीं बता पाते हैं आप तो आप कहेंगे मैं इसको ज़रूर बताऊँगा। वन ओमेगा बाइट होता है 1.024 1024 या 1024 अल्ट्रा बाइट के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, वन ओमनी बाइट बराबर होता है 1.024 ओमेगा बाइट के बराबर होता है। वन डेटा बाइट होता है 1.024 ओमनी बाइट के बराबर होता है। ये बहुत ही हाई स्टोरेज मेमोरी साइज की बात हो रही है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन हमारा ये हो जाता है, वन हाइपर बाइट बराबर होता है 1.024 डेटा बाइट। ये सबसे लार्जेस्ट अब तक कह सकते हैं मेरी जानकारी में, अदरवाइज़ अगर आप देखेंगे तो मिल जाएगा तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैंने जहाँ तक अपने रिसर्च किया मैंने देखा है वन हाइपर बाइट के बराबर 1.024 डेटा बाइट के मेमोरी साइज़ होते हैं। तो गाइज़ ये वीडियो आज तक के लिए यहीं पर, और वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, स्टडी फोरम को, और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, जो भी हम न्यू वीडियोज़ अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।